फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको डिकोपेज आर्ट के बारे में बताने वाली हूँ। इसलिए मैंने एक ग्लास बोतल लिया है जिसको मैंने क्लीन करके रखा हुआ है। ब्रशेस लिए हैं, डिकोपेज नैपकिन लिया है, सीजर, एक्रेलिक कलर्स, मास्किंग टेप लिया है, मॉड पॉज ग्लू लिया है, वार्निश लिया है, प्लेट लिया है और स्पॉन्ज लिया है। फ्रेंड्स, अभी ये जो बोतल है ये मैंने कॉलिन से क्लीन कर ली है। अभी इसके ऊपर ये जो मैंने क्रीम कलर लिया है ये हमें अप्लाई करना है। इसके लिए ये कलर मैंने प्लेट में निकाल कर स्पॉन्ज से हमें पूरी बोतल पर ये लगा लेना है। आप देख सकते हैं इस तरह हमें ये जो कलर है हमें लगा लेना है। फ्रेंड्स, ये मैंने पूरी बोतल को इस तरह कलर कर लिया है। ये हमें थोड़ी देर सूखने के लिए रख देना है। तब तक हम ये जो डिकोपेज नैपकिन है ये लेकर इस तरह वो दो पार्ट्स में अलग होता है, तो ये दोनों पार्ट्स हमें अलग कर लेने हैं। डिज़ाइन का जो पार्ट होता है वो नीचे वाले पार्ट से हमें अलग कर लेना है। ये अलग करते समय हमें थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट होता है, तो धीरे धीरे हमें ये निकाल लेना है। फ्रेंड्स, इस तरह मैंने वो दो पार्ट जो थे वो अलग कर दिए। डिज़ाइन वाला पार्ट हमें लेकर अभी उस पर से हमें जितना डिज़ाइन चाहिए वो कट कर लेना है। तो कट करने के लिए हम सीजर नहीं यूज़ कर रहे, तो इसके लिए मैंने ज़ीरो पॉइंट का ब्रश लिया है और वो ब्रश पानी में गीला कर डिज़ाइन के साइड से हमें गीले करते जाना है, वहाँ पर लगाना है ताकि गीला होकर वो वहाँ से हम उसे कट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह मैंने ये ज़ीरो पॉइंट के ब्रश को पानी में डुबोकर इस तरह से हमें उसे अप्लाई करके लगाना है। आप देख सकते हैं बहुत ही धीरे धीरे हमें ये जो डिज़ाइन है वो अलग करनी है क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो ये हमें फटना नहीं चाहिए। इस तरह से धीरे धीरे निकाल लेना है। फ्रेंड्स, से मैंने डिज़ाइन तो निकाल लिया है, अब हमें ये कहाँ चिपकाना है ये हम देख लेते हैं। आप का अगर डिज़ाइन थोड़ा अलग है तो आप मिडल से या ऊपर से भी चिपका सकते हैं। मैं इस तरह मेरा डिज़ाइन जो है वो नीचे की साइड से ही इसे चिपकाने वाली हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है तो हमें थोड़ा सावधानी से ये करना है। इसके लिए मैंने जो एक मास्किंग टेप कट कर कर रखा था ये मैं एक साइड पर लगा देती हूँ क्योंकि ये डिज़ाइन जो है वो एक जगह से हिलना नहीं चाहिए। इसलिए अभी ये जो मॉज पॉज ग्लू है वो एक प्लेट में निकाल कर हमें ब्रश से धीरे धीरे डिज़ाइन के ऊपर लगाना है ताकि उस पर रिंकल्स ना फोल्ड नहीं होना चाहिए, रिंकल्स नहीं आने चाहिए। इस तरह से हमें वो ग्लू अप्लाई करते जाना है। पूरी डिज़ाइन के ऊपर हमें ये धीरे धीरे अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये लगाना है और जहाँ पर आपका ये जो पेज है वो फोल्ड होता होगा वहाँ पर ये आप इस तरह कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरा जो डिकोपेज नैपकिन का ये डिज़ाइन था वो इस तरह मैंने बोतल के ऊपर चिपका दिया है।
अभी ये ग्लू हमारा जो है वो पूरा हमें ड्राई होने देना है। फ्रेंड में ये दूसरे साइड पे भी इसी तरह ये नैपकिन की जो दूसरी डिज़ाइन थी वो भी चिपका रही हूँ। सेम उसी तरह मैं उसे भी ये ग्लू से चिपकाना है। मैंने यहाँ पर मास्किंग टेप लगा लिया है और ऊपर मैंने ब्लू कलर कर दिया है। फ्रेंड्स ये अभी मेरा जो ग्लू था वो अच्छी तरह से सूख गया है। अभी हमें वार्निश जो है वो वार्निश लेकर इसके ऊपर हमें लगाना है। ये वार्निश जो है इस तरह मैंने निकाल लिया है। ये वार्निश हमें अभी ब्रश से, फ्लैट ब्रश से इसके ऊपर लगाना है ताकि वो एक शाइनिंग करता है, ग्लो करता है और उसका लाइफ भी अच्छा होता है। इस तरह मैंने ये जो वार्निश है अप्लाई किया है पूरे बोतल के ऊपर। ये वार्निश भी हमें सूखने देना है। आप देख सकते हैं वार्निश भी मेरा अच्छी तरह से सूख गया है। तो फ्रेंड्स आपको मेरा जो डिकोपेज आर्ट है वो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।